भाई अंदर आवा भाई, भाई कौन है अंदर? मैंने एंकर वीडियो बना दी। मेरा नाम है मोहित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड से एक और नए एपिसोड में या फिर एक और नए व्लॉग में। नए दिन नए व्लॉग और उगते हुए सूरज के साथ नए वीडियो की शुरुआत। तो आज आप सभी लोग मेरे को कॉलेज के गेटअप में देख रहे होंगे। तो हाँ जी, आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज एंड पर है मेरे साथ आर्यन भाई जिनको कि स्कूल जाना है तिलवाड़ा। आजकल हमारे यहाँ जो उखड़ के खेत होते हैं जहाँ रुपाई नहीं होती है वहाँ हल लगना स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो इस साइड और इस साइड, इन सभी खेतों में हल लग चुका है। इस वाले गदरे को बोलते हैं मगरे का गदरा, जो हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। अलग अलग प्लेस के नाम अलग अलग होते हैं। तो ये पहुँच चुके हैं हम तल्ली जखोली में। तो ये है आज का मोटर व्लॉग सेटअप एंड अभी हम निकल चुके हैं मुरली जखोली से तिलवाड़ा की ओर। मंजिल होगी तिलवाड़ा, उसके बाद होगी अगस्त मुनि। अगस्त मुनि आपको हमको कॉलेज जाना है। एंड आजकल यहाँ रोड के हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है और पूरा फॉग ही फॉग हो रहा है। आगे सुंदर नज़ारों के साथ 1 मीटर की खाली विजिबिलिटी है। क्या मस्त मौसम हो रहा है आज, खतरनाक 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 खतरनाक। अगर देवभूमि उत्तराखंड में रहते हो आप लोग तो ऐसे नज़ारे तो आप सभी को देखने के लिए मिलते होंगे, पर जो नहीं रहते हैं यहाँ वो हमारे वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। यहाँ पर जो आगे सामने से बैंड है, जो मोड़ है, इसको कहते हैं अंडरबैंड हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि हमको तो आगे दिखाई नहीं देता कि कौन आ रहा है और उसको भी नहीं दिखाई देता है कि आगे से कौन आ रहा है, तो इसको इसलिए कहते हैं अंडरबैंड। जो हो यहाँ पे है 10 इंद्रियों का मंदिर। हमारा जो ये मार्ग है इसको बोलते हैं मठाणा मार्ग, मठाणा देवी मार्ग, क्योंकि यहाँ ऊपर एक प्रसिद्ध प्रचलित प्रसिद्ध मंदिर है मठाणा माता का। तो यही रोड जाती है वहाँ के लिए। तो अभी अभी हमने क्रॉस किया हरियाली गांव जहाँ की पांडव लीला हुई थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी आपको वो वाली वीडियो, जरूर से देखें और लाइक करना ना भूलें। और मैं यहाँ पर जो ये गाय है इसको मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, पता नहीं किसने छोड़ी है यहाँ पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर सर्च आइकन पर क्लिक करके मोहित सिंह जगवान को सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा देना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते रहें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अभी हम लोग हैं ठीक तिलवाड़ा के सामने पे, तो ये है तिलवाड़ा का व्यू। यहाँ पर एंटर करने वाले हैं हम सुमाड़ी मार्केट में एंड उसके बाद आएगा तिलवाड़ा मार्केट। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं सुमाड़ी मार्केट में एंड ये है तिलवाड़ा मार्केट का सुंदर और प्यारा सा व्यू। हमको यहाँ पर थोड़ा सा काम है, जो पीयूष भाई के यहाँ से मैं दूध लाया था उसको पाकल करना है। तब तक आप यहाँ के नज़ारे लो, तिलवाड़ा का ओवरऑल व्यू। बरसो बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बरसो बरसो बादल तुम्हारी राह
सब तक रहे। बादल गरजा पानी बरसाए, नदियां मछली चली चली। बादल गरजा पानी बरसाए, नदियां मछली चली चली। पेड़ के ऊपर बरसा पानी, आई बत्तियां हरी हरी। पेड़ के ऊपर बरसा पानी, आई बत्तियां हरी हरी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गाड़ी खड़ी करने पर 5 रुपए का जुर्माना। तो आजकल सिक्योरिटी बहुत ही टाइट हो चुकी है यहाँ। हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनी पे। तो हमें खोलनी पड़ेगी शॉप जो कि दिया गारमेंट्स नाम से है, अपने भाई जी की दुकान है। एंड उसके बाद चलेंगे कॉलेज। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ। ये निकल चुके हैं हम सिलवाड़ा मार्केट से। बहुत सारा ट्रैफिक है आज यहाँ सिलवाड़ा मार्केट में। तो आजकल ना पहाड़ों में ज्यादातर जो भी एक्सीडेंट होते हैं वो बाहर की गाड़ियों के कारण होते हैं। गुप्त काशी है 24 किलोमीटर, फाटा है 39 किलोमीटर और केदारनाथ है 75 किलोमीटर। ये है अगस्त मुनि जहाँ की मेरा कॉलेज है और अगस्त मुनि के स्टार्टिंग में खाना आ जाता है यहाँ पर। हम अपने गोलू भाई हैंडपंप चलाते हुए सामने पे 500 मीटर की दूरी पर हमारा कॉलेज आने वाला है। एंड यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर बन रही है मकान। एंड लोगों के रिएक्शन हमारे कैमरे को देखते हुए एक नहीं मिले आज, पर तो बस तो रिएक्शन मिले थे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद का, थोड़ी देर के बाद अभी हम चलते हैं कॉलेज में। करनी के बाद उधर ये पहुंच चुके हैं हम गंगानगर के पुल में और यहाँ पर पब्लिक सेल्फी लेते हुए। ए बड़ा। और यहाँ से जाना है हमको गंगानगर के लिए। अरे पौधे लगाए हुए हैं एलएनटी वालों ने और यहाँ पर ये कमर तोड़ने के लिए बैनर भी लगाए हुए हैं। यहाँ पर जहाँ पर अभी हम बाइक चला रहे हैं इसके नीचे है टनल, जहाँ पर है डैम। ये है एलोरा की गुफा जहाँ आपको अजीब अजीब तरह के जानवर मिलेंगे। तो भाई एलएनटी में पहुँचने के बाद सबसे पहले ये दिखती है हमको ये एलोरा की गुफा। मजाक कर रहा हूँ, ये है सुरंग जो कि आई है सीधा कुंड से बेड़ू बगड़ की एलएनटी में। और यहाँ पानी आज बहुत है और हमारे साथ है मेरे प्रिय मित्र अनिकेत ब्रदर। यहाँ पर घेराबंदी कर रखी है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर। यह है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर और यहाँ पर इस यहाँ पे इतनी सारी रोड़ी बजरी इकट्ठा कर रखी है ताकि फ्यूचर में कभी भी एलएनटी को बढ़ाना हो तो उसके लिए काम आ सके। और अभी तो यहाँ भी पक्की रोड बन रही है इस साइड, उस साइड तो उस साइड तक तो है पक्की रोड, इस साइड नहीं है। जाएंगे तो आगे क्या पता, जहाँ पे गेट लग रहा है पता चलो हम भी और गए सीधा टनल बन निकाला बैठ दिया। और इस एलएनटी बनने से जो यहाँ की मंदाकिनी नदी है जो अगस्त मुनि से शुरू होती है उसका पानी जलस्तर बहुत ही कम हो गया है। तो इतना पानी काफी नहीं है अभी, तो ये केदारनाथ की ओर से आती है। वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है मेरे को एंड पानी में बहुत ही कमी है अभी। एलएनटी के सामने आगे से जब पानी निकल जाता है टर्बाइन से तो वहाँ नदी में वृद्धि हो जाती है, नदी के पानी में वृद्धि हो जाती है। और फिलहाल तो ये सीन है यहाँ का एलएनटी का।
और यहाँ इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। सो अभी चलते हैं घर, कॉलेज का काम भी खत्म हो गया है और आपको जो वाला मैंने किया था एलएनटी दिखाने का वो भी पूरा हो चुका है। और अभी अनिकेत भाई जाएगा अपने रूम पर जो आदतमुनी में है, और मैं जाऊंगा सीधे यहाँ से तिलवाड़ा और तिलवाड़ा से सीधा घर। तो अभी आगे भी दिखाएंगे हम आपको एलएनटी की टरबाइन, ये है यहाँ के एलएनटी का पावर हाउस, एंड अभी आपको टरबाइन दिखाएंगे अगर बोर्डा नहीं आएंगे तो। ये है यहाँ की टरबाइन, आज तीनों टरबाइनें फूल चुकी हैं, तीनों जगहों से पानी बाहर निकल रहा है और इतनी ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है यहाँ। इतना फीट गहरा होगा ये, 817 फीट गहरा है ये, लिखा तो उतना ही है, लिखा तो उतना ही है। और ये है एलएनटी के पावर हाउस, वहाँ से आज हमें, और यहाँ पर आज गार्ड अंकल नहीं बैठ गए हैं। नहीं तो भाई वीडियो बना मुझे, और देख लो उसने रहकर वीडियो बना दी। एलएनटी का पावर हाउस, आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो हम आगे कैसे में बढ़ेंगे, जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट करो यार वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है, कमेंट करो वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है। अनिकेत भाई की एक वीडियो, इस वीडियो को शेयर करो यार, पहली बार आ रहा है मेरी वीडियो में। भाई की सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है।